नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत के द्वारा फिलीपींस को साल 2022 में जो ब्रह्मोस मिसाइल सेल करने की जो डील साइन हुई थी, उसमें कुछ प्रगति देखने को मिली है। पिछले सप्ताह ही भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को फिलीपींस को सप्लाई कर दिया गया है। तो फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के साथ ही उसका जो चाइना के साथ एक टकराव लंबे समय से चल रहा है, उसमें फिलीपींस को चाइना के अगेंस्ट अपने ऑफेंसिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बूस्ट मिलेगा। फिलीपींस की तरफ से 2019 से ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था, और साल 2022 आते आते भारत और फिलीपींस ने एक डिफेंस डील को साइन किया जो लगभग $375 मिलियन का था। इस डील के तहत भारत को सोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट की ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को 3 बैटरी सप्लाई करनी है। ये सब कुछ ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब चीन और फिलीपींस की नेवी में आपस में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। साउथ चाइना सी में चीन आए दिन फिलीपींस की नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप्स के ऊपर वाटर कैनन से हमले कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में जब भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सप्लाई की गई है, वो भी एंटी शिप वेरिएंट वाली, तो ये निश्चित रूप से फिलीपींस की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा और ज्यादा उसको बूस्ट देगा। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि लंबे समय से चीन और फिलीपींस के बीच में रिलेशंस किन वजहों से खराब चल रहे हैं, साउथ चाइना सी को लेकर के चीन की क्या रणनीति है, इसके अलावा साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री कैसे हो चुकी है, भारत किस तरीके से साउथ चाइना सी में अपने वेपन्स को स्लोली डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, इसका जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इंडिया फिलीपींस पार्टनरशिप पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में ये जो टेंशन है इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और चीन फिलीपींस के ऊपर ऐसी स्थिति में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि फिलीपींस का अमेरिका के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है। तो देखिए, जिन भी देशों की कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी से लगती है उनमें से लगभग सभी देशों के साथ चीन का विवाद है, क्योंकि इस पूरे साउथ चाइना सी पे चीन अपना अधिकार जमाता है। चीन इस पूरी साउथ चाइना सी को 10 डैश लाइन के जरिए डिफाइन करता है और इस पर अपना अधिकार जमाता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस की नेवी और कोस्ट गार्ड और चाइना की नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में किस तरीके का टेंशन बना हुआ है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा चीन के द्वारा जो अपना नया मैप जारी किया गया था उसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले थे। साउथ चाइना सी को जो चीन 9 डैश लाइन के जरिए क्लेम करता था उसमें चीन के द्वारा एक लाइन और बढ़ा दी गई है, यानी अब ये 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन हो चुका है। इस पर भी मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। तो पूरा विवाद इस साउथ चाइना सी को लेकर के है, जहां चीन किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, और इसीलिए चीन फिलीपींस के बहुत सारे द्वीपों को साउथ चाइना सी का पार्ट मानता है, उसको 10 डैश लाइन के अंडर लाने की कोशिश करता है और उस पर कब्जा भी करना चाहता है। क्योंकि इनमें से बहुत सारे द्वीपों पर फिलीपींस का कब्जा है, इसलिए साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की नेवी पिछले कुछ समय से आमने सामने है। यानी चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो चीन के चारों तरफ चल रहा है। चीन का उसके पड़ोसी देशों के साथ लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है, सी बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहां तक कि स्पेस में भी चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को जारी रखा हुआ है। तो इस पूरे साउथ चाइना सी में न सिर्फ फिलीपींस बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सभी देश परेशान हैं। अब चीन साउथ चाइना सी पे कब्जा इसलिए चाहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और बहुत से प्रकार के खनिज संपदा का भंडार है। तो इसलिए इस पूरे साउथ चाइना सी पर चीन की नजर है, और इसी चक्कर में चीन इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानता है। दुनिया के वो सभी देश जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से लगती है, तो उनके उन समुद्र सीमा का निर्धारण यूएन क्लॉज के नियमों के द्वारा किया जाता है। यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और इसी के तहत साउथ चाइना सी में स्थित सभी देश ये कहते हैं कि यूएन क्लॉज के मुताबिक उनकी भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल माइल दूर तक, यानी समुद्र के अंदर तक, साउथ चाइना सी के अंदर तक उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसको चीन नहीं मानता है। और इस यूएन क्लॉज और साउथ चाइना सी को लेकर के साल 2016 में चाइना के अगेंस्ट एक आर्बिट्रेशन भी आया था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा साउथ चाइना सी को लेकर के ये कहा गया था कि पूरा साउथ चाइना सी चीन को बिलोंग नहीं करता है। यूएन क्लॉज के मुताबिक 200 नॉटिकल माइल तक हर उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो साउथ चाइना सी में स्थित है, और चीन को इसका सम्मान करना चाहिए और इस लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन चीन ने इस पूरे आर्बिट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया था, यानी मानने से मना कर दिया था।
तो फिलीपींस और साउथ चाइना सी को लेकर के ओवरऑल ये सिचुएशन है कि किस तरीके से चीन इस पूरे एरिया में मनमानी करता है अपनी। तो अब इसी मनमानी के बीच में साउथ चाइना सी में अब भारत की भी एंट्री हो चुकी है। भारत खुले तौर से साउथ चाइना सी के उन देशों को सपोर्ट कर रहा है जो देश चाइना की मनमानी, चाइना की दादागिरी से परेशान है। उन्हीं में से एक देश है फिलीपींस, और हाल ही में फिलीपींस को भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल सेल की गई है और उसकी पहली खेप को भी फिलीपींस तक पहुंचा दिया गया है। यानी चाइना को घेरने के लिए इंडियन वेपन्स साउथ चाइना सी में धीरे धीरे डिप्लॉय होने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, साउथ चाइना सी में भारत के वेपन्स किस तरीके से आ रहे हैं उसके पीछे कई कारण है। पहला तो कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के कई देशों से बड़ी मात्रा में वेपन्स का इम्पोर्ट करता है, और वेपन्स को इम्पोर्ट करने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों के लिस्ट में आता है। पर वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का अभी उतना नाम नहीं है। ज्यादातर वेपन जो भारत में बनते हैं वो भारतीय सेना को ही सप्लाई की जाती है, लेकिन अब भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है क्योंकि भारत अब बहुत सारे वेपन्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत इनका एक्सपोर्ट भी करना चाहेगा। तो इससे भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। जिस भी देश के साथ भारत वेपन्स का डील करेगा उसके साथ भारत के रिलेशंस और ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे जैसे भारत का वेपन्स को लेकर के एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तैसे तैसे भारत में वेपन्स को लेकर के ज्यादा रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा भारत वेपन्स का एक्सपोर्ट करके अपने एडवर्सरीज को भी काउंटर कर सकता है। तो साउथ चाइना सी में भारत के वेपन को सप्लाई करने के पीछे कारण भी चीन ही है। तो चीन इसके पीछे कारण इसलिए है कि जो भी चीन वेपन्स का एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 83% केवल एशिया में सेल होता है। यानी चीन के वेपन्स को ज्यादातर एशिया के देश ही खरीदते हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा वेपन्स की सप्लाई चीन के द्वारा भारत के पड़ोस में ही की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन के वेपन्स का सबसे बड़ा जो खरीददार है वो है पाकिस्तान। इसके अलावा तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है और सातवें स्थान पर है म्यांमार। अभी हाल ही में चीन के द्वारा पाकिस्तान को हैंगर क्लास की सबमरीन प्रोवाइड की गई है। ये पहली सबमरीन है जो चीन के द्वारा पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई है, और इस तरीके की अभी आने वाले समय में 7 और सबमरीन चीन पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में वेपन्स की सप्लाई कर रहा है, और उसके पीछे चीन की स्ट्रेटजी यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान भारत को कंटेन करके इस पूरे एरिया में ही रख सके, भारत मिलिटरली और स्ट्रेटजिकली इतना बड़ा ना हो जाए कि वो डायरेक्ट चीन को टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। इसके अलावा चीन म्यांमार में भी बड़े स्केल में वेपन्स की सप्लाई करता है। अब चीन जो म्यांमार को वेपन सप्लाई करता है उसमें दो खेमे हैं। एक तो चीन म्यांमार की सेना को वेपन सप्लाई करता है, दूसरी तरफ जो म्यांमार में म्यांमार की सेना के ही विद्रोही हैं उनको भी चीन के द्वारा वेपन्स की सप्लाई की जाती है। चूंकि म्यांमार की सीमा भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है, इसलिए चीन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को अपने वेपन सप्लाई के जरिए लंबे समय से डिस्टर्ब किया हुआ है, और यही वजह है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में एक समय पे बहुत ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप खड़े हो चुके थे। यानी वहीं के लोग भारत के ही अगेंस्ट लड़ रहे थे। हालांकि भारत सरकार के द्वारा अब यह तय किया गया है कि भारत म्यांमार के साथ अपनी पूरी सीमा को सील करेगा। तो ये जो वेपन्स की सप्लाई चीन के द्वारा लंबे समय से भारत के पड़ोस में की जा रही है, जिसकी वजह से भारत लंबे समय से अपने ही देश में एक छद्म युद्ध का शिकार रहा है। तो हाल के कुछ समय में भारत की स्ट्रेटजी बदली है। भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे वेपन्स को खुद ही अपने देश में बना रहा है। इसकी वजह से भारत को वेपन्स के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भरता मिली है, जिसकी वजह से अब भारत खुल करके अपनी पॉलिसीज को बना पा रहा है। चीन को कंटेन करने के लिए भी भारत अब इसी तरीके की पॉलिसी बना रहा है। जिस तरीके से भारत को घेरने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए चीन भारत के पड़ोसियों का इस्तेमाल कर रहा है, अब ठीक उसी तरीके से भारत भी साउथ चाइना सी में घुस चुका है। भारत धीरे धीरे साउथ चाइना सी में उन देशों से अपने संबंध को बढ़ा रहा है जिसका चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है, और इसी क्रम में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करने का सौदा किया। फिलीपींस साउथ चाइना सी में भारत के कदम रखने की एक शुरुआत है। भारत अभी मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, इन सभी देशों को वेपन्स की सप्लाई करेगा। ये सभी देश भी ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्टेड है। तो भारत अभी इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है कि जो भी वेपन्स भारत के द्वारा चीन के बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं उन वेपन्स को साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय किया जाए। इसके अलावा भारत जो भी स्ट्रेटजी इंडियन ओशियन रीजन में चीन की नेवी को कंटेन करने के लिए बना रही है, जो भी वेपन्स चीन की नेवी को कंटेन करने के लिए बनाए जा रहे हैं या ऑलरेडी वो आर्सेनल में आ चुके हैं, भारत धीरे धीरे अब उनको साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय करेगा। तो भारत ओवरऑल इस पूरे रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आ रहा है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला देश है जो चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के खिलाफ खड़ा है और डट करके सामना कर रहा है। तो यदि हम इस ब्रह्मोस डील को स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भारत ने फिलीपींस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की है,
इसमें एक चीज कॉमन है कि ये दोनों देश यानी भारत और फिलीपींस चीन के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट में लंबे समय से हैं। तो भारत का फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, इससे भारत हिमालयाज में और साउथ चाइना सी में दोनों जगह ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर चुका है, जो चीन की नेवी को काउंटर करने में भारत की मदद करेगा। इसके अलावा ये जो फिलीपींस के साथ भारत की ब्रह्मोस डील है वो क्वाड को ही और पावर देगा, क्योंकि इस पूरे साउथ चाइना सी के रीजन में जो छोटे देश हैं उनके अंदर भारत चीन के अगेंस्ट एक डिटरेंस कैपेसिटी लाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ इससे भारत और फिलीपींस के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा गहरे होंगे, क्योंकि दोनों देश चीन के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट में हैं, इसलिए फिलीपींस हमेशा चाहेगा कि भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। जरूरत पड़ने पर भारत चीन से फिलीपींस की सुरक्षा के लिए और भी वेपन्स को सप्लाई करे। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो और छोटे देश हैं वो चीन के अगेंस्ट भारत का साथ पाकर के और ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि चीन के अगेंस्ट भारत के रूप में उन्हें एक बड़ा मित्र देश मिलेगा जो चीन के खिलाफ खड़े होने में इन छोटे देशों की क्षमता में वृद्धि करेगा। यहाँ पर मैं कुछ और चीजों को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन भारत के पड़ोस में अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर रहा है, तो अब उसी के जवाब में जब भारत भी साउथ चाइना सी में चीन के पड़ोस में ही अपने वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है, तो भारत को केवल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत को चाहिए कि इस पूरे साउथ चाइना सी के रीजन में डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया वरुणास टॉरपीडो को ही इस पूरे रीजन में डिप्लॉय करना चाहिए। भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी साउथ चाइना सी के रीजन में डिप्लॉय करना चाहिए। इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया ये जो छोटे देश हैं, तो भारत को चाहिए कि क्वाड के साथ मिल करके इन सभी देशों की नेवी को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए। इन देशों को स्टेल्थ कॉर्वेट्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, सबमरीन, ड्रोन, इन सभी क्षेत्रों में इन छोटे देश की नेवी को ताकत देनी चाहिए, ताकि ये सभी देश चीन की नेवी के सामने एटलीस्ट कुछ खड़े हो सके। इसके अलावा भारत अपना ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी इस साउथ चाइना सी के रीजन में तैनात कर सकता है। इन सभी वेपन्स को भारत इन छोटे देशों को बेच सकता है। इससे भारत को चीन को काउंटर करने की स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो भारत हिमालयाज में और इंडियन ओशियन रीजन में स्वयं चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए ये सारे वेपन्स भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, इंडियन ओशियन रीजन में भी डिप्लॉयड हैं। तो अब ये वेपन्स जब साउथ चाइना सी में पहुंचेंगे तो वहां पे भारत को चीन को काउंटर करने की स्ट्रेटजी में एक बड़ी बढ़त मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि फिलीपींस के साथ ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है ये केवल एक शुरुआत है। भारत आने वाले समय में बड़ी मात्रा में साउथ चाइना सी में वेपन्स को एक्सपोर्ट करेगा, वेपन्स को डिप्लॉय करेगा, ताकि भारत साउथ चाइना सी में ही उसी के बैकयार्ड में चीन को काउंटर कर सके। अंत में कंक्लूजन के रूप में यही कहा जा सकता है कि भारत को अपने वेपन्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। पहले तो भारत को वेपन्स के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, ताकि भारत जैसे बड़े देश को वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसके अलावा भारत को अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, भारत को अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, भारत को अपने वेपन्स के ऊपर रिसर्च को बढ़ाना है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई वेपन्स का आविष्कार किया जा सके, और भारत को अपने वेपन्स को ऐसे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए जहां पे भारत के हित हैं, जहां पे वेपन सप्लाई के जरिए भारत अपने एडवर्सरीज को काउंटर कर सकता है, उनके ऊपर दबाव बढ़ा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। क्या भारत को चीन को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में अपने वेपन्स को डिप्लॉय करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि चीन, फिलीपींस और साउथ चाइना सी का ये विवाद क्या है, चीन साउथ चाइना सी को किस तरीके से हथियाने का प्रयास कर रहा है, साउथ चाइना सी में जो छोटे देश हैं उनको किस तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहा है, इसके अलावा चीन किस तरीके से भारत के पड़ोस में वेपन्स की सप्लाई को बढ़ाया हुआ है जो भारत के लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ अब किस तरीके से भारत साउथ चाइना सी में अपने वेपन्स को धीरे धीरे डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, इसके जियो स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका इंडिया और फिलीपींस के पार्टनरशिप पर क्या असर पड़ेगा, इससे फिलीपींस का डिफेंस कैसे बूस्ट होगा, भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सप्लाई की गई है उसका इस साउथ चाइना सी के पूरे रीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत फ्यूचर में किस तरीके के वेपन्स को इस पूरे साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।